about the Indian Army, which is saying 20 of its soldiers have been killed by Chinese troops in the disputed Kashmir region. This is the first deadly clash on this border in 45 years. More than 80% of illegal drugs that flow into India come from Pakistan. Sling hoti hai aur sling ke andar jo heroin dali jati hai aur fir border par throw ki jati hai. And another Pakistani drone has been shot down by alert armed forces in Amritsar, the border town of Punjab. This is the third in the past few days. 2.5 kilogram worth heroin. Bharat-Bangladesh border par taskari ka video hai ye. थर्मल कैमरे से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं रात में किस तरह से बॉर्डर के आर पार स्मगलिंग की जा रही है. एनडीटीवी इन्वेस्टिगेशन इनटू अ मॉडर्न डे फॉर्म ऑफ स्लेवरी, द सेल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड इवन चिल्ड्रन फ्रॉम बांग्लादेश इनटू द सेक्स मार्केट्स ऑफ इंडिया. ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ये सब इम्पोर्ट होता है इंडिया में, इंडिया के पोरस बॉर्डर्स का फायदा उठा के. पर ये सब तो इंडिपेंडेंस के वक्त से ही चल रहा है, तो आजादी के इतने साल बाद आज भी खबरों में क्यों सुनते हैं हम इन सब चीजों के नाम? क्यों अब तक कोई भी सरकार हमारे बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, और ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो इस टास्क को इतना मुश्किल बनाते हैं, और क्या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू चेंज ऑल दिस? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब करिए ब्राइट पिंक को और जुड़े रहिए हमारे साथ. दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इंडिया के लैंड बॉर्डर्स को. इंडिया 7 कंट्रीज के साथ 15,106 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करता है. पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है. इसमें वो इलाके भी इंक्लूडेड हैं जिन पर इंडिया का क्लेम है पर कंट्रोल नहीं. ये बॉर्डर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला इंटरनेशनल बॉर्डर, ऑल्सो कॉल्ड एज IB. सेकेंड इज द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, विच इज अ सीज फायर लाइन, जो 1948 इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद लगाई गई. थर्ड इज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, AGPL, विच डिवाइड्स द करेंट पोजीशन ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी ट्रूप्स इन द सियाचिन रीजन. बाकी बॉर्डर्स हैं 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद अफगानिस्तान, विच फॉल्स अंडर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. इंडिया हैज 3,488 किलोमीटर बॉर्डर विद चाइना, 1,751 किलोमीटर बॉर्डर विद नेपाल, 699 किलोमीटर बॉर्डर विद भूटान, 1,643 किलोमीटर बॉर्डर विद म्यांमार, एंड फाइनली इंडियाज लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर 4,096.7 किलोमीटर विद बांग्लादेश. इंडिया के बॉर्डर्स काफी यूनिक हैं और अलग अलग तरह की टेरेन से गुजरते हैं, जैसे डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड इवन ग्लेशियर्स, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए और चैलेंजेस खड़े करते हैं. इन्हें गार्ड करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मुश्किल भी. An army soldier has been killed and 2 others grievously injured in a land mine explosion. For the third time in a day, Pakistan initiated unprovoked heavy shelling with artillery early this morning along the line of control. Guardian these borders comes at a great human cost, not only from attacks but from within too. Remote or difficult border post par kaam karna hamare soldiers par psychologically bhi bhari padta hai, jo armed forces ke suicide rate mein dikhai deta hai. Hamare borders ko guard karti hai Central Armed Police Forces CAPF, but they lose more jawans every year than our Indian army does during पीस टाइम. हमारी 4 CAPFs हैं जो ये बॉर्डर्स गार्ड करती हैं. कारगिल वॉर के बाद ये डिसाइड किया गया था कि ये चारों फोर्सेस अलग अलग बॉर्डर्स को डिफेंड करेंगी. BSF इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, LOC इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ITBP इंडिया चाइना बॉर्डर, असम राइफल्स इंडिया म्यांमार बॉर्डर, SSB इंडिया नेपाल एंड इंडिया भूटान बॉर्डर. पाकिस्तान और बांग्लादेश के लैंड बॉर्डर्स में फेंसेज लगी हुई हैं जो तीनों कंट्रीज की बाउंड्रीज को क्लियरली डिमार्केट करती हैं, पर म्यांमार के साथ ऐसा नहीं है, विच मेक्स द टास्क ऑफ असम राइफल्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड. मोरओवर इस बॉर्डर पर दोनों साइड्स जो ट्राइब्स रहते हैं उनके कल्चर, लैंग्वेज और एथनिसिटी सेम होने की वजह से यहाँ पर बॉर्डर्स गार्ड करना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है. इनफैक्ट ये बॉर्डर सेम गांव एंड इवन सेम घरों के बीच होकर जाता है, स्प्लिटिंग देम इनटू टू. इन्हीं रीजंस के चलते यहाँ गवर्नमेंट ने फ्री मूवमेंट रिजीम FMR इंट्रोड्यूस किया था, जिससे बॉर्डर के
दोनों साइड्स की ट्राइब को 16 किलोमीटर तक दोनों साइड ट्रेवल करना अलाउड है। 2020 की डेडली क्लैश के aftermath में इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स हैव टच्ड अ न्यू लो, जहां चाइना एग्रेसिवली बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है और नई क्लैशेस होने का खतरा हमेशा रहता है। उधर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में न सिर्फ टेररिस्ट का घुसना एक सीरियस नेशनल थ्रेट है, बट द ड्रग स्मगलिंग इज इक्वली अ सीरियस इशू व्हिच इज स्लोली किलिंग द यूथ ऑफ आवर नेशन। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 80% ड्रग्स पाकिस्तान से स्मगल होकर आती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो सालों से चलते आ रहे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में मेजर डेमोग्राफिक शिफ्ट्स देखे गए हैं। त्रिपुरा की ट्राइबल पॉपुलेशन आज माइनॉरिटी में आ गई है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। ये इंडिया का एक लौता स्टेट है जो प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल स्टेट से एक नॉन ट्राइबल स्टेट में ट्रांसफॉर्म हुआ, एंड दिस डेमोग्राफिक चेंज कॉज्ड एंगर अमंगस्ट द पीपल व्हिच फर्दर लेड टू एन इंसर्जेंसी इन त्रिपुरा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउ स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग, अटैक्स ऑन मिलिट्री एंड सिविलियन टारगेट्स, ये सब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को अलग अलग वेज में चैलेंज करता है। पर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है टू टैकल दिस क्रूशियल चैलेंज? पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं टू सिक्योर इट्स बॉर्डर्स, पर सबसे बड़ा और डिफिकल्ट डिसीजन रिसेंटली लिया गया है। Amid the rising tensions at the Indo-Myanmar border, the Indian government has decided to construct an impenetrable fence here. Home Minister Amit Shah has just put out a post on social media platform X saying that the free movement regime between India and Myanmar has been scrapped. Fencing the border with Myanmar and ending the free movement regime is a big move which is going to face a lot of challenges. But India ki security establishment ki ye bahut time se demand rahi hai. Iske do main reasons hain. First is the escalation of conflict in Myanmar, jisme India ka ek bhari nuksan hua hai. Reports say rebels in Myanmar have captured a town called Paletwa. This is a border town near the Indian state of Mizoram. The Kaladan project runs through this town. Kaladan, a major undertaking aimed at improving India's connectivity with Southeast Asia. Myanmar ki badhti violence ki wajah se India is seeing an influx of refugees which is creating more tension in our border towns. Dusra, the continuing ethnic violence in Manipur jo ek bahut bada security threat bana hua hai. Center ka manna hai ki insurgents Manipur mein attacks karke Myanmar mein chup rahe hain aur FMR का फायदा उठा रहे। इंडिया के सभी बॉर्डर्स पर चेक पोस्ट्स हैं फॉर इमिग्रेशन एंड एंट्री एक्सेप्ट फॉर म्यांमार। नाउ दिस मूव इज गोइंग टू बी अपोज्ड बाय द लोकल्स, बट इसमें गवर्नमेंट कैसे लोकल्स को कन्विंस करती है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का सक्सेस डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट के और भी एम्बिशियस प्लान्स हैं टू सिक्योर आवर बॉर्डर्स, जैसे कि प्रोजेक्ट कुशा, इंडिया का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिजीनियसली डेवलप किया जा रहा है टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमीज ड्रोन्स, missiles, fighter jets, just like Israel's Iron Dome. India ने 3S-400 Triumph को चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय किया है। To counter China, Modi government has fast-tracked work on India's biggest, toughest and most strategic border road project, the Frontier Highway in Arunachal Pradesh, जिसे चाइना कई सालों से ऑब्जेक्ट करता आ रहा है। India 2019 में लेकर आया स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के बॉर्डर्स पर लगाए जा रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने 2022 में लॉन्च किया वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वीवीपी, जिसके अंडर बॉर्डर के पास के 2,967 विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ये थे इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिससे इंडिया अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहा है। ऐसे ही कई सारे और प्रोजेक्ट्स हैं विच आर करेंटली गोइंग ऑन, एंड इनमें से कुछ बहुत ही मुश्किल डिसीजंस भी रहे हैं, पर आज एक स्ट्रॉन्ग और अलर्ट गवर्नमेंट है जो इन डिसीजंस को लेने से डर नहीं रही।